बीजेपी नेता ध्यानचंद मुदगल ने कराहल में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला का किया जोरदार स्वागत, साथ ही क्षेत्र की बिगड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से कराया अवगत। खबर कराहल से है, जहां आज 30 अगस्त को श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला प्रवास के लिए आए हुए हैं। आज जब वह श्योपुर पहुंचने के लिए कराहल के निकले तो उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस क्रम में मुख्य हाईवे स्थित मुदगल पेट्रोल पंप पर भी बीजेपी नेता ध्यानेन्द्र मुदगल और उनके समर्थकों द्वारा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला का स्वागत किया गया। मंत्री जी को फूलों का हार पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं। साथ ही ध्यानेन्द्र मुदगल ने प्रभारी मंत्री को कराहल की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने मंच पर माइक पर ही कराहल अस्पताल की लापरवाही की असलियत बयां कर और कहा कि यहां जिस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मंच पर माइक पर हाथों से लेकर ये कह दिया कि इस मामले को जल्द ही एक्शन लूंगा और जो भी स्वास्थ्य सुधार की यहाँ जरूरत मुहैया करवानी होगी वह जल्दी करवाऊंगा। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। देखिए कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये स्थिति है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट या कोई भी क्रिटिकल केस आता है तो यहाँ पे प्राइमरी मेडिसिन देने की रेफर वाली स्थिति है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी ये लाडली बहना खड़ी है, माननीय लाडली बहना कम से कम सात दिन ना हो तो कम से कम 3 दिन के लिए यहाँ पे आए। इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र एम्बुलेंस कही है क्या यहाँ आसपास कहीं है? महिला डॉक्टर नहीं, शोपुर से ही है। कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए आप